दोस्तों बहुत सारे लोगों को डाउट था कि जियो का प्राइम मेंबरशिप के आगे क्या होगा 31 मार्च के बाद। बहुत सारे लोगों को डाउट था और इसके बारे में आपको तरह तरह के वीडियो भी मिल रहे थे, लेकिन अब जियो ने ऑफिशियली अनाउंस कर दिया है कि जियो प्राइम मेंबरशिप जिनका 31 मार्च तक था वो आगे के लिए क्या होगा और उनको क्या करना है आगे। तो देखिए अभी चाहे आप चाहे 30 मार्च को भी लें कोई जियो का नया सिम 99 रुपीज़ दे के, तो उसकी भी वैलिडिटी 31 मार्च तक ही थी, 31 मार्च 2018 तक ही। लेकिन उसके बाद आगे का क्या कुछ आने वाला था ये जियो ने पहले से ऑफिशियली अनाउंस नहीं किया था, लेकिन आपको तरह तरह के वीडियो देखने को मिल जा रहे थे कि बंद हो जाएगा, ये हो जाएगा, वैसा वैसा बोल के। लेकिन अब जियो ने ऑफिशियली इसे अनाउंस कर दिया है और ये बोला है कि आपको एक साल फ्री मिल जाएगा जिनका 31 मार्च तक वैलिड था, यानी कि जिनने प्राइम मेंबरशिप ले लिया है 31 मार्च 2018 तक का, तो उनकी जो है ऑटोमेटिकली अगले एक साल के लिए फिर से प्राइम मेंबरशिप मिल जाएगी, उनको कुछ नहीं कराना होगा। अब जो 31 मार्च के बाद जो नया शुरू हो जाएगा महीना, वहाँ से उनको क्या करना पड़ेगा कि वही 99 रुपीज़ देकर एक बार अपना जियो प्राइम मेंबरशिप ले लेना होगा। बाकी जो लोगों का वैलिडिटी अभी 31 मार्च 2018 तक है उनको आगे की ज़रूरत नहीं है और किसी भी तरह के पैसे देने की अलग से। और फ्रेंड्स इसको इनेबल करने के लिए आज या फिर कल तक माई जियो ऐप में एक ऑप्शन आ जाएगा जहां पर क्लिक करके आप अपने जियो नंबर पर प्राइम मेंबरशिप 2019 के लिए फ्री में इनेबल कर पाएंगे और इससे ज़्यादा कुछ नहीं करना पड़ेगा। तो देखते हैं जैसे ही आ जाता है आज या कल मैं उसका भी वीडियो बना के आपको बता दूंगा कि किस तरीके से इनेबल करना है। तो आशा रखता हूं कि आप इस खबर से खुश हो गए होंगे और इस वीडियो को आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों को भी, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए।